हेलो एवरीवन, आज मैं आपको अपने फार्म टूर पे ले चलूंगी विद माय बेस्ट फ्रेंड. कम हियर, कम. माय मॉम. चलो चलते हैं. ज्यादातर तो एप्पल और मतलब एप्पल ही हमारे पास कमर्शियली होती है, पर इसके साथ साथ मतलब हमने जैसे अपने मतलब नाशपाती में वो दिखाती हूँ, नाशपाती है, खुमानी है, प्लम है, आड़ू है, मतलब बादाम भी है, बहुत सारी अखरोट का भी है ना, अखरोट भी बहुत है, अभी उसमें लगे हुए भी बहुत है, मैं दिखाती हूँ वो देखते आ जाओ. और अभी सारे एप्पल्स ग्रीन है क्योंकि यूजुअली एप्पल सीजन आएगा मिड जुलाई एंड तक हो जाता है मतलब ऐसे होता है ना, जो अपर ऑल्टीट्यूड है, हाई ऑल्टीट्यूड है, उसका सबसे लास्ट में आएगा, जो मिड है उनका बीच में जैसे हो जाएगा, और जो सबसे लो ऑल्टीट्यूड में होते हैं ना उनका सबसे पहले सीजन आता है. लो ऑल्टीट्यूड वालों का जुलाई में शुरू हो जाता है, वालों का अगस्त में है ना. नहीं तो लो हमारा भी तो है, दुईना वाला बगीचा. हाँ, हमारा इस वाले बगीचे की बात, ये वाला हमारा मिड हाइट में आता है, तो ये अगस्त में शुरू हो जाएगा. उस टाइम पे मैं एक ऐसा ब्लॉग बनाऊंगी, सारे एप्पल एकदम लाल होते हैं टमाटर की तरह, इतना सुंदर लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है. उस टाइम के लिए भी एक ब्लॉग पक्का बनाऊंगी मैं. अभी तो ये देख रहे हैं चिपचिपे हरे हरे से, इनका नाम थोड़े थोड़े चटनी बना देते कभी कभी, वो भी अच्छी बनती है. वैसे तो इसका ध्यान देखा हम सकते, अब जैसे यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट है ना, इतना हो चुके हैं. ये तो खैर यहाँ छोटा सा ना, पर पार बगीचे में बहुत बड़े बड़े पेड़ है, यहाँ घर के साथ ही है छोटा सा पेड़, तो ये मतलब जहाँ धूप लग रही है वहाँ से ये पकने शुरू हो गए, पर जैसे लाल रंग आ गया, लाल रंग आ गया जहाँ मतलब धूप लग रही है. इतने गंदे हो गए आज बारिश हुई ना, तो मतलब हाँ चलो अब क्या है नेक्स्ट. अब खुमानी है वहाँ पे, शक्कर पार रहा है. Wow. मैं दिखाती हूँ. ये देखो ना, ये है खुमानी का पेड़, तो मतलब इस बार ना ये खुमानी, शकरपारा, प्लम वगैरह ज्यादा नहीं लगे हैं, बहुत कम है, पर फिर भी मतलब इसमें ना बहुत अच्छे, ये देखो कितना बड़े बड़े है ये वाला. मम्मी निकालो इसको, तो मैं वहाँ पहुँच तो जाऊँ पहले. जम करो. कैसे पहुंचूंगी? अरे वाह मम्मी, वाह देखो देखो कितना सुंदर है, कितना बड़ा आता है, तो जल्दी खाते जरा, कितना फ्रेश और जूसी. इसको डायरेक्ट खा सकते हैं? हां ये तो खा लेते हैं. खा पकड़ो. मम्मी खा भी ली है. हां बहुत बड़े बड़े, और इसके अंदर की सीड भी खाने के काम करते. ओह माय गॉड, इट इज सो डिलीशियस. खुशबू इतनी रिफ्रेशिंग है इसकी. यस हाँ, मुंह में पानी आ गया. उसके मुंह पे ही मार दिया था हमने. Thank you.
बार तो कम है ना, पिछले साल इतने आड़ू के देखे सारे टूटे हुए, एक टूट गए मतलब आड़ू के बेचते एक भी खाना तो ये निकले गए यहाँ से नहीं आने कौन से ऊपर जाते ऊपर जाते वन टू थ्री घर ले जाएंगे ना सब कुछ लाएंगे नहीं तो अभी तो ये इतने पकड़े हुए नहीं खाने लाए मम्मी ने चटनी बना दी बीच से टूटना चाहिए बीच से ये चीटिंग है मम्मी ने इसका हलवा बना दिया है बुरे हाल से मेरे तो टूटा ही नहीं यार इसमें एक बादाम रेडी मेड है नहीं वाओ टेस्ट कितना अच्छा इसका पहले ठीक है ये क्या है इसकी गुठली होती है कैसी गुठली है इसकी अलग सी ये तो इसकी गुठली है ये बादाम जैसा था ना बादाम का छिलका होता है उससे बादाम अरे खा के तो देख कितना टेस्ट है ये बहुत टेस्टी है सच में ही टेस्टी है बहुत टेस्टी जो मैंने वो पुदीना नहीं दिखाया था ऊपर कि हमारा पुदीना है तो जैसे हम जब शिमला में चटनी बनाते ना तब तो हम अनारदाना इमली और आमचूर कुछ भी मतलब उसमें खटाई के लिए डाल देते हैं लेकिन गांव में क्या होता है ये चीजें हम नहीं यूज करते तो गांव में खटाई के लिए हम ये डालते हैं इसको पहाड़ी डायलेक्ट में बोलते हैं अंजबड़ा क्या अंजबड़ा अंजबड़ा तो मतलब अंजोड़ा अंजबड़ा अंजबड़ा हाँ इसकी वो जो है ना ये पत्ते ना इतने मतलब अच्छे होते हैं ना इसमें चटनी में डालने के लिए नेचुरल सा वो आता है इसका टेस्ट मैं खा लूं अभी एक खा ले मैं बताती हूँ पर ये ना बहुत मतलब अच्छी चटनी बनती है नेचुरल वो है ये पता कैसा इसका जो मैं ना बचपन में ऐसे पत्ते होते जो हार्ट शेप्ड होते इतने छोटे छोटे से होते खट्टे मीठे से होते जो यही होते थे वैसा टेस्ट है इसका ये था मेरा फार्म टूर और कुछ वेजिटेबल्स अब हमने अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी ग्रो की है जैसे मिंट टमेटो बीन्स रेडिश यह प्लम का पेड़ जो हमारी पुरानी वीडियो में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं और मम्मी अब मेन लाइन बोलिए हमारे चैनल को लाइक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।